गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. गुड मॉर्निंग सर. आज का मेरा टॉपिक है हाउ टू स्टॉप ओवरथिंकिंग ऑन योर माइंड. ओवरथिंकिंग वैसे तो आपकी जिंदगी को बर्बाद ही कर रहा है. साइंटिफिक मेथड भी कहता है कि जो लोग कम सोचते हैं वो लोग ज्यादा जीत सकते हैं, और जो लोग ज्यादा सोचते हैं उनका IQ कम होने लग जाता है. आप हर टाइम कुछ ना कुछ सोच रहे होते हो, फिर उसी टाइम कोई ना कोई दूसरी बात आती है और फिर आप उसी चीज को सोचने लग जाते हो और वो आपको सताने लगती है, जो कि आपको अंदर से अंदर खोखला भी करती रहती है. आपको पता भी नहीं चलता. चाहे आप स्टूडेंट हो, जॉब करने वाले हो, कोई भी हो, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है और जो कि गलत है. आपको मतलब अंदर से खोखला बना रही है, वो आपको पता भी नहीं चल रहा. साइंस के हिसाब से वो ओवरथिंकिंग आपको कमजोर भी बना रहा है. और स्टैनफोर्ड की स्टडीज भी कहती है कि साइंटिफिक मेथड के हिसाब से कि ओवरथिंकिंग जो है वो आपकी रचनात्मक जो शक्तियां हैं उसको कमजोर कर रही है और आपके ग्रोथ को भी कम कर रही है. ज्यादा सोचने से आपके जो न्यूरॉन्स हैं उसकी भी शक्ति कम होती जाती है. एक मैं आपको स्टोरी बताने जाता हूँ जिसके हो सकता है कि आपको थोड़ा लाइफ में उससे चेंज आए और आपकी सोच में भी शायद चेंज हो. एक हैरी हुडनी नाम का व्यक्ति था, मैजिशियन था वो. उसका दावा ये था कि अगर उसको किसी भी जेल में लॉक कर दो तो वो 1 घंटे के अंदर किसी भी लॉक में से बाहर आ जाएगा. और इसी करके उसको छोटे मोटे कहीं जेल वालों ने बुलाया कि ठीक है हम देखते हैं. उन्होंने क्या किया, उसको लॉक किया, पर वो किसी न किसी भी तरीके से उसमें से 1 घंटे के अंदर अंदर बाहर आ जाता था. और बिना चाबी के वो कैसे आ जाता वो किसी को नहीं पता, बट वो बेल्ट के नीचे अपने एक स्टील की छोटी सी फ्लेक्सिबल वायर को छिपा कर रखता था. और अपने इसी कमाल के करके वो धीरे धीरे फेमस भी होने लग गया. और इसको देखते देखते एक बड़े जेल वालों ने उसके इस कमाल को देखा और उन्होंने उसे बुलाया कि हम भी देखते हैं इतने बड़े हमारे लॉक को भी खोल पाता है कि नहीं. तो उसके एम्प्लॉय ने कहा कि मैं उसको ऐसे दरवाजे से एक्सपीरियंस कराऊंगा जो कभी भी कोई भी खोल नहीं सकता, जो इतना स्ट्रांग होगा, इतना एडवांस होगा, जो कोई भी अभी तक खोल भी नहीं पाया और ना कोई खोल सकता है. फिर एक दिन तय हुआ और हुडिनी ने भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है कोई नहीं, मैं आऊंगा और उस ताले को भी खोल के दिखाऊंगा. तो फिर वो अपने कॉन्फिडेंस के साथ जेल के अंदर जाने लगा. और जैसे ही वो जेल के अंदर जाने लगा तो एक सिक्योरिटी गार्ड ने उसे बुलाया और उसके धीरे से उसके कान में कहा दुनिया सबसे स्ट्रॉन्ग और एडवांस लॉक है. फिर वो चले गया अंदर. उसने अपनी बेल्ट में से वायर निकाली जो वो हमेशा छुपा कर रखता था. 30 मिनट हुए पर वो ताला नहीं खोल पाया. उसका जो कॉन्फिडेंस से गया था वो सारा डाउन आ गया. और जैसे ही 2.5 घंटे हो गए उसने गिव अप कर दिया. जैसे ही दरवाजे के उसमें अपना हाथ मारा तो वो वैसे ही खुल गया और उसे तब पता चला कि ये डोर तो कभी लॉक था ही नहीं. तो इसी तरह हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और दूसरों की बात पे नहीं आना चाहिए, अपने ऊपर बिलीव रखें. दैट्स इट. थैंक यू.